हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, रिसेंटली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस भोपाल में ग्रुप सी की भर्ती आई थी, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी जो कि जनरल सिलेबस की वीडियो थी कि कैसे आप अपने सिलेबस को स्टैंड कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आए हैं, तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रैंडमली पिक किया है। उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि सिलेबस को आप कैसे कवर कर रहे हैं, कैसे आप पढ़ रहे हैं। और इससे मेरी जो दूसरी वीडियो रहेगी बेस्ट बुक पर रहेगी कि बेस्ट बुक कौन सी रहेगी सिलेबस को कवर करने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम सेंटर। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो एग्जाम सेंटर आपने सेलेक्ट किया होगा। ऑल ओवर इंडिया में जो यहाँ पे बिगेस्ट सिटीज है, जहाँ पे एम्स हॉस्पिटल है, उनमें ये एग्जाम हो सकता है, या फिर नॉर्मल सिटीज में भी एग्जाम रखा जा सकता है अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे एक का क्वेश्चन था कि स्किल टेस्ट किस किस पोस्ट के लिए होगा, किस किस पोस्ट के लिए नहीं होगा। देखो, एमटीएस सोशल वर्कर एंड स्टोर कीपर कम क्लर्क का स्किल टेस्ट नहीं होगा। स्किल टेस्ट मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट, जो टाइपिंग की वैकेंसीज है उन्हीं में टाइपिंग होगी। अगर यहाँ पे होता कि ट्रेड टेस्ट होता तो एमटीएस सोशल वर्कर स्टोर का फिर ट्रेड टेस्ट होता। ट्रेड टेस्ट मतलब जो आपने सीखा है उसका ट्रेड टेस्ट। ठीक है, टाइपिंग के लिए आपका स्किल टेस्ट होता। ये डाउट क्लियर हो आपका। पेपर की लैंग्वेज को लेके भी थोड़ा क्वेश्चन था कि पेपर की लैंग्वेज क्या रहेगी। देखो, पेपर की लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। सीबीटी एग्जाम होगा आपका, पहले एक क्वेश्चन हिंदी में दिखाएंगे, फिर आपका दूसरा मतलब सेम ही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखाएंगे, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन पहले आपका इंग्लिश में आ, फिर नीचे सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में दिखाएंगे। वो पैटर्न डिपेंड करता है किस पैटर्न में एम्स भोपाल अपना क्वेश्चन पेपर रखता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम सब्जेक्ट के बारे में। बेस्ट बुक की हमारी दूसरी वीडियो रहेगी। यहाँ पे एक और यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि ये वैकेंसी जो है टेम्परेरी है या परमानेंट है। देखो, ये परमानेंट भर्ती है, कोई टेम्परेरी भर्ती नहीं है। ठीक है, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। देखो, आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे 100 मार्क्स का है, और गाइस रिटन एग्जाम से ही आपकी सारी मेरिट लिस्ट बनेगी। टाइपिंग टेस्ट को जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और 100 एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है। देखो, सिलेबस में आपका कैसे भी क्वेश्चन आए, ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन है, किसी भी सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आए, टेंथ लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपका जो स्टैंडर्ड है टेंथ लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा, टेंथ लेवल से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है वो भी हम जान लेते हैं। देखो, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, और इसका पढ़ने का तरीका क्या है वो भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप न्यू हो, बिगिनर स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता कैसे पढ़ना है, अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आपको सारी चीजें पता होगी मैं कैसे किस चीज को कवर कर सकता हूँ। ठीक है, बिगिनर के लिए सबसे पहले जो मैं टॉपिक बताऊं, आपको हिंदी या इंग्लिश में आपको गूगल पे सर्च करना है, देखना है कि टॉपिक की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मटेरियल क्या है, उसी हिसाब से फिर आपको समझना है मटेरियल क्या है, उसी हिसाब से फिर क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो यूट्यूब से भी क्लास ले सकते हो, या फिर आप, मैं बोलता हूँ कि आपको थोड़ा बुक्स के बारे में बताऊंगा जो मेरी दूसरी वीडियो आएगी, तो वो बुक पढ़ लोगे तो ये सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो क्या, देखो, एम्स से रिलेटेड, ठीक है, ये नहीं कि एम्स भोपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एम्स से रिलेटेड मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रिलेटेड, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में है, स्थापना कब हुई, डायरेक्टर कौन है, तो इससे मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो विकिपीडिया तो आप पढ़ी लो, एम्स की पूरी हिस्ट्री पढ़ लो, लिख लो पूरे, करीबन 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे। ठीक है, फिर इंडियन ज्योग्राफी यानी आपका भारतीय भूगोल वो आएगा, जनरल साइंस, सामान्य साइंस, इन दोनों की बुक आती है वो भी आपको बताऊंगा, ये पढ़ना है। ठीक है, गवर्नेंस ऑफ इंडिया यानी ये भारत का शासन, भारत के शासन के रिलेटेड को क्वेश्चन आएंगे। करंट जनरल पॉलिसी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, देखो इंडियन गवर्नमेंट की जो वर्तमान नीतियां क्या है, क्या नीतियां हो सकती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। G20 के बारे में भी क्वेश्चन आएगा, तो 3-4 क्वेश्चन ये भी मिल जाएगा। ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, यानी जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, क्या क्या घटनाएं घट रही है, अभी जो इजराइल का यहाँ पे युद्ध चल रहा है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर नहीं बना है। और G20 के करीबन यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सारी नीतियां है वो G20 में ही लागू की है। तो G20 कब हुआ, तो G20 के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, 5 से 7 क्वेश्चन आपको G20 से मिल जाएंगे,
बाकी चैप्टर थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, ठीक है। ये चीज दो तीन चीज पढ़ना है आपको। यहाँ पे आता है कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, पेरिफेरल्स, एप्लीकेशन, इंटरनेट, ये तो छोड़ देना ही आपको, ये नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। ये करीबन 5 से 7 नंबर का ये भी आएगा, 5 नंबर को तो आएगा, क्योंकि ये सिलेबस ना आपका इसमें 10 नंबर वाले में कवर हो जाएगा। तो आपको ये छोटा मोटा जो 10 नंबर का आएगा वो आपको नॉर्मल पढ़ना है, बाकी जो सिलेबस लिमिटेड है। सिलेबस यहाँ पे लिमिटेड कौन सा है, ठीक है, एम्स की हिस्ट्री यहाँ पे लिमिटेड है, ठीक है। एम्स की हिस्ट्री आप पढ़ दो क्योंकि आप उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। इंडियन भूगोल अनलिमिटेड है, थोड़ा बहुत आप करंट में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो, मतलब कि बहुत सारी वैकेंसी के, तो उसमें 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जनरल साइंस का थोड़ा बहुत आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो वैसे भी आप यहाँ पे कर लोगे तो क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के आपको बाद में बताऊंगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब बात करेंगे इंग्लिश, इंग्लिश जो है वो 10 नंबर की आएगी, इसमें से अगर 5 से 7 नंबर भी हो गए तो सॉलिड रहेगा, कोई जाती है 25 नंबर का है तो 25 नंबर में आके 15 भी रहे तो सॉलिड है, कोई बात नहीं है, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पे 10 नंबर की आएगी, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है वो भी आपको बता रहा हूं। देखो करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस मिलेगा आपको उसको करेक्ट यूज करना है या फिर करेक्ट करना है, गलत सेंटेंस मिलेगा या फिर फिलिंग इन द ब्लैंक मिलेंगे तो वो आपको करना है, सेंटेंस को आपको सही करना है, सही लैंग्वेज में लेके आना है, तो ये रहेगा आपका। वर्ब प्रीपोजिशन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सिनोनिमस रहेगा, एंटोनिमस रहेगा, ये रहेंगे यहाँ पे, मतलब कि आपके जो है यहाँ पे पर्यायवाची रहेंगे, विलोम शब्द रहेंगे, तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक, देखो स्पेलिंग मिलेगी आपको, स्पेलिंग सही करनी है और डिटेक्ट करना है कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे, मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तनी, वर्तनी को सही करना है आपको, गलत वर्तनी मिलेगी यानी आपको गलत स्पेलिंग मिलेगी, और नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे तो ऑप्शन आपको उसमें मतलब जो भी ऑप्शन सही लगता है आपको उसको क्लिक करना है कि ये स्पेलिंग यहाँ पे बन जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हार्ड नहीं है भाई ये, हम इजिली तो कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा किस बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करेंगे क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड, ये मैथ का सिलेबस है, मैथ का सिलेबस आपका 20 मार्क्स का है, याद रखना, और इसमें से आपको 18 मार्क्स लेके आना, ये भी आप कवर कर लेना, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है हंसते खेलते कूदते पढ़ते या दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते आप मैथ कर सकते हो, और मैथ की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही निकलेगा। प्रैक्टिस टेस्ट आप लगाने शुरू कर दो, और जितनी भी वैकेंसीज मेडिकल से रिलेटेड यानी एम्स से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज आई है, एग्जाम तो इसका हार्ड आने वाला है। क्यों हार्ड वाला आना है, अगर इसका एग्जाम एनटी एजेंसी ने करा तो बहुत टफ एग्जाम आने वाला है, इसमें से आपके 60 नंबर पे भी जनरल का सिलेक्शन हो जाएगा अगर एनटी ने करा, हालांकि एनटी तो नहीं कराएगी, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एनटी को मिल जाए, अगर एनटी कराती तो जो रिक्रूटमेंट है वो एनटी निकालती, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस है कोई अदर एजेंसी यहाँ पे कराए, ठीक है। मैथ के जितने प्रैक्टिस टेस्ट लगाने आपको यहाँ पे उतने लगाने, ठीक है, 20 नंबर का आपका आएगा, ठीक है। कॉम्पिटिशन ऑफ होल नंबर डेसिमल, इसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, फ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे, एवरेज की परसेंटेज, मैन्युशुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क के क्वेश्चन आएंगे, ये तो नॉर्मल है, सभी वैकेंसीज में आता है, कोई हार्ड सिलेबस नहीं है, ठीक है। यहाँ भी बात कर लेंगे जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, देखो 20 तो मैथ का, 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, टोटल 45 नंबर का है, तो इसमें से आपको 40 नंबर लेके आने हैं भाई, कसम खा लो इतने नंबर आपको लेके आने, कम आएंगे तो फिर जाएंगे, क्योंकि स्कोर बनाने वाला सब्जेक्ट यहाँ पे यही है, दूसरा कोई सब्जेक्ट स्कोर बनाने वाला यहाँ पे नहीं है। तो 25 नंबर का आ जाइए, एनालॉग्स आएंगे, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस आएगी, ठीक है, और यहाँ पे सीरीज कॉम्प्लीशन आएगा, और डायरेक्शन, रिलेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग आएगी, नॉन वर्बल कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फंडामेंटल कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन के भी क्वेश्चन आएंगे, एमएस ऑफिस का क्वेश्चन आएंगे, ये 10 नंबर का आपका सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ पे सीसीएस का भी सिलेबस है, जो कि आपको 2 रूल पढ़ने, जाके ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये रूल है आपके 1964 और 1962, ये 10 नंबर का आएगा, इसके लिए भी मैं आपको बुक बता दूंगा कि इसके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, वो आप पढ़ लेना, उसके लिए इजी रहेगा। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ना है, एक दिन में आपको एक टॉपिक कवर करना है, और मैथ और रीजनिंग का जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करो, और लग जाओ अभी से एग्जाम को करेक्ट करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।